तो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। तो हमारे चैनल वापस आ गया है एंड कल के दिन समय में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था मैं, एंड फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के व्यूज़ छाप लो। भले थोड़ा व्यूज़ कम आएंगे लेकिन जितने भी आते उतनी अच्छी बात है, एंड इसलिए 9:30 या 9:45 के आसपास मैं वीडियो डालने वाला हूँ कि मेरा चैनल हैक कैसे हुआ एंड रिकवर कैसे हुआ। तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि पहली बार मैं ऐसी टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड वो वीडियो ज़रूर देखना। एंड चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नियो जब लाइव आए थे तो बात करते जोनाथन के बारे में, इसी के साथ साथ उन्होंने तारीफ भी करी एंड उन्होंने गॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई वो बेस्ट था, बेस्ट रहे और बेस्ट रहेगा भाई। जब तक ये गेम है वो लेजेंड है, ये गेम का वो इंडियन कम्युनिटी का बेस्ट प्लेयर है भाई, और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है वो। और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भी नहीं है, द बेस्ट है वो, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं है। तुम बोलोगे सी गॉड वन ऑफ द बेस्ट, निंजा वन ऑफ द बेस्ट, एक्वानॉक्स वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, ये सब वन ऑफ द बेस्ट है। गॉब्लिन को बोलोगे वन ऑफ द बेस्ट, और अगर जॉनी वो द बेस्ट है, ठीक है। और किसको अगर जोनाथन को बीट करने गए इंडिया का बेस्ट प्लेयर बनने के लिए, तो वो बंदे को वर्ल्ड लीग में जाके #1 टॉप फ्रैगर बनना पड़ेगा, समझे। बच्चे ऐसा करते हैं भाई हम लोग। मैच कैसे हक दिए भाई? हाँ, फर्स्ट मैच क्या सीन हो गया कि सोल आ रही थी जोन के बाहर से और हमको पता था कि वो सोल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सोल पुश ही करेगी, अभी उतना लोग ट्रायआउट रोटेशन वोटेशन नहीं देंगे। तो वो वहाँ पे सीन क्या हो गया कि लाला के हाथ में था ग्रेनेड और मेरे पे हेक्टर ने पुश किया, मैंने हेक्टर को गाड़ी से गिरा दिया और वो लोग गाड़ी घुमा रहे थे, ठीक है। तो लाला के हाथ में ग्रेनेड था, वरना गाड़ी से एक बंदा आ रहा था उसको लाला गिरा देता, पर लाला के हाथ में ग्रेनेड था करके लाला नहीं मार पाया। और लाला का ही एंगल मेन था, वो एंगल से हम लोग सब ओपन थे, वो एंगल पे लाला नॉक और हम लोग तीनों ओपन हो गए उससे। फिर मेरे को तो समझा भी नहीं, मैंने जैसे हेक्टर को नॉक किया वहाँ से मैं नॉक हो गया। एंड अपनी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जायरो को जब लाइव आए थे तो बात करते टी एस के साथ क्यों नहीं खेल रहे, एंड इसका रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चैट में कुछ बोल रहे हैं कि स्काउट भाई आपके साथ गलत कर रहा है और कैंसिल नहीं कर रहा है, चांस नहीं दे रहा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं गलत। देखो मैं सिंपल बताता हूँ गलत क्या कर रहा है भाई, गलत कुछ नहीं कर रहा है, उसको भी अपना करियर संभालना है, ठीक है, सबको अपना करियर संभालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब वो रिस्क क्यों ले भाई, मेजर्स में रिस्क क्यों लेगा कोई? अगर टीम मान के चलो ऑलरेडी 4 प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और अभी मेजर चल रहा है, उसमें क्यों रिस्क लेने जाएगी? आज एक काम करते ना, हम क्या करते ना, हम 420 को बिठा देते हैं, हम जायरो गॉड को खिलाते हैं, ठीक है। अब मान के चलो मतलब अभी मेरा सिनर्जी नहीं बिठा हुआ है, ठीक है, एक तो पहली बार सिनर्जी नहीं बिठा हुआ ना, मैं बूट कैंप पे हूँ पहले, दो बात। तीसरी बात है कि भाई मैं वो रिस्क हो जाएगा, सिंपल बात है। मैं अच्छा किया अगर मैं बेकार खेल गया मान के चलो दो मैच कॉस्ट हो जाएगा ना टीम को, तो दो मैच कॉस्ट क्यों करना है अभी, मत करो ना, वही सीन है। इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ ना, मैं खेल रहा हूँ ना फियरलेस खेल रहा है। एंड चलो अपने नेक्स्ट चीज़ कह रहे हैं बात कर लेते हैं। तो एक्वानॉक्स जब लाइव आए थे तो बात करते स्काउट के ऊपर, तो इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अरे भाई ऐसे लोग को व्यूज देने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को आपको पता है किस लेवल पे फॉर्म दिख रहा है ऐसे बंदे। तो चाय बोला है, ट्रॉफी नहीं मिला चाय। एंड अपनी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो निंजा जब लाइव आते तब उनको लोग बोलते हैं गॉड लाइक को भी पैन करो, तो इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गॉडल को पैन करते हुए सोचते हैं, गॉडल को पैन क्या भाई, गॉडल एक ऐसी टीम है, सबसे एग्रेसिव टीम है गॉडल और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है ना, अपनी इंडिया की। लाइक जैसे हमारा भी अच्छा है 4v4, गॉडल का ही 4v4 हमको अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो हमको मज़ा आता है गॉडल का फाइट लेने में, ठीक है ना। एक मजा कंपटीशन का बताइए, जब तुम एक स्ट्रॉन्ग टीम से फाइट लो, ठीक है ना, तभी मजा आता है ना फाइट लेने का, स्ट्रॉन्ग टीम से फाइट लोगे तो तब एक आता है दिल से अंदर से घुस के, चलो मर भी गए तो बुरा नहीं लगता कि सामने वाला इंडिया की बेस्ट टीम है और स्ट्रॉन्ग टीम है उस टाइम में उनको। एंड चल अपने नेक्स्ट चीज़ कह रहे हैं बात कर लेते हैं। तो सेठ भाई जब लाइव आए थे तो लोग उनसे पूछे थे कि क्या सोल की लाइनअप आने वाली, नई लाइनअप आने वाली नए नए गेम्स के अंदर इन फ्यूचर, जैसे कि उनसे पूछा गया कि क्या डोटा में सोल की लाइनअप आ सकती है, तो इसका रिप्लाई देते उन्होंने कहा कि डोटा का सीन इंडिया में इतना अच्छा नहीं है अभी। इसी के साथ साथ उन्होंने रिप्लाई देते और जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाइनअप कब सीड वेटिंग एसेड्यूल टू डोमिनेट इन वन मोर गेम। अरे इधर इधर तो डोमिनेट करने दो पहले, वन मोर क्या, बीजेएमआई में तो डाउन डोमिनेट करने दो, इंडिया के आधी टीम से हम लोग को अभी तक सीरियसली भी नहीं ले रहे भाई, इधर तो पहले डोमिनेट करने दो फिर वैलो वैलो में घुसेंगे ना, रुक जाओ थोड़ा, इतना जल्दी ऐसा जंप नहीं करने का, थोड़ा पेशेंस।
एंड अपनी नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। तो सेंस से जब लाइव आए थे तो बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में, जो नया फॉर्मेट था उसके बारे में। तो इस पर रिप्लाई देते उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सच बताना एशियन गेम को BGMI फॉर्मेट देख के मन क्या जानेगा, नहीं थोड़ा बेकार लगा कि मतलब ये बहुत बेकार फॉर्मेट था, लेकिन कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि सही इसलिए है क्योंकि मतलब एशियन गेम का मोटो ये इन सब का कि मतलब ऐसा वायलेंस वगैरह ना हो, ये यूनिटी वगैरह और स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें होती है मेन मोटो उनका ही है। तो गन से थोड़ा मारते हैं तो वायलेंस वगैरह होता है, बाकी और गेम्स में भी है, जैसे डोटा भी जा रही तो डोटा में एक तरीके से डायरेक्टली मारना ही हो गया, भले उसमें इंसान नहीं है, उसमें ऑर्ब्स वगैरह या कुछ भी मतलब ऐसा कैरेक्टर्स वगैरह हैं, और वो भी है कैरेक्टर्स, खेल बंदा ही रहा तो उनसे भी मारते हैं, तो उसमें तो अलाउड है लेकिन इसमें नहीं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है ऐसा सीन, लेकिन क्या पता अगले This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please. तो मैं क्या बोल रहा था, क्या पता अगले एशियन गेम तक जितने भी ये चीजें हैं प्रॉपर बैटल रॉयल आ जाए, आ सकता है ऐसा, लेकिन इस एशियन गेम में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगले में मे भी आ जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें वो सही कर देंगे। ट्राई तो करेंगे ऑब्वियसली क्राफ्टन कि मतलब एशियन गेम में जो प्रॉपर जो है मेटा बैटल रॉयल का वो चले, ये लोग ट्राई। एंड चलिए अपनी नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि SA12 के मर्चेंडाइज का स्टॉक वापस से आने वाला है, एंड इसके अंदर हमें सोल की एक टी शर्ट भी देखने को मिल रही है। तो लोग यही पूछ रहे थे कि क्या ये सोल की जर्सी है या फिर ये एक टी शर्ट है, और अगर ये सिर्फ टी शर्ट है तो जर्सी क्यों नहीं आई। तो इसका रिप्लाई देते हुए मांबा और मॉर्टल ने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाला कैसा लग रहा है जो मैं पहनूं? इसी बात पे कल बता दूं आपको, कल आपको बता दूं मर्चेंडाइज लॉन्च हो रहा है 12 बजे, और ये सोल का जस्ट टी शर्ट, नॉट जर्सी, टी शर्ट ये भी लॉन्च होने जा रहा है कल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जर्सी होना चाहिए था सोल का ढंग से, अभी करंट जो अभी मौसम आ रहा है उसके हिसाब से ये टी शर्ट इज बेटर देन जर्सी। जर्सी में स्वेट होता है, अरे वेयर दिस एंड गो आउट। इस बार हम लोग हुडी लॉन्च नहीं कर रहे क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी समर टाइम, समर वेरी समर मर्चेंट आई लव यू, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो गया। अच्छा एंड चलो अपने नेक्स्ट यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेठ भाई जब लाइव आए थे तो बात करते मोस्ट अग्रेसिव टीम के बारे में, इसी के साथ साथ उन्होंने एक दो और चीज़ों पर रिप्लाई दिया। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये हम एक चीज देख रहे हैं, वी आर हम्बल बॉयज, वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट एनीवन। हवा हवा बजना है क्या? हाईएस्ट फिनिशेस भी है क्या? चेक नहीं किया मैंने, फिलहाल के लिए तो है, बट हम लोग नहीं है भाई मोस्ट एग्रेसिव टीम ऑफ इंडिया, नहीं है हम लोग को लोग सीरियसली नहीं लेते, प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, ठीक है। एक ही दिन हुआ है अभी तक गाइस, प्लीज टारगेट मत करो, एक ही दिन हुआ है, 4 ही गेम हुए हैं और बहुत गेम बाकी है, रुक जाओ थोड़ा, टारगेट मत करो यार। बस इतनी ही चाहत है, 4 दिन के बाद मैं भी एक स्टोरी डाल पाऊँ जिसमें टेक्स्ट में लिखूंगा ऐसा लंबा सिर्फ लिखूंगा। अच्छा है, आई होप मेरी टीम मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी सहायता करे। किसी को टारगेट नहीं कर रहे तुम लोग, टारगेट करना बंद कर दो यार, किसी को टारगेट नहीं कर रहा मैं, हम सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, हम सिर्फ हंस रहे, वेजेस एंजॉयिंग। एंड बस आज की वीडियो को ये खत्म कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारा 30,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है। एंड हाँ, अभी कुछ टाइम में वो वीडियो आ जाएगी, करीबन आधे घंटे या एक घंटे के अंदर वो वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो ज़रूर देखना। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।